बालोग एपिसोड 9 के लिए एक्साइटमेंट है या नहीं? वाह, मैं तो मर रहा हूँ कि संडे आए और टूट पड़ूं इस एपिसोड 9 पर। लेकिन मजा तब खराब हो जाता है जब ये एपिसोड से रिलेटेड क्लिप लीक कर देते हैं। चलो बात कर लेते हैं इस लीक क्लिप के बारे में, जहां से आइडिया लग जाएगा कि एपिसोड 9 में क्या होने वाला है, यानी क्या क्या मिल सकता है हमें। लेकिन एक जरूरी बात, टू माई ऑल बिलवर्ड फ्रॉम लवर, मैं आपका दिल से थैंक यू बोलना चाहूंगा। आप सभी बहुत प्यार दे रहे हैं मुझे इस सीरीज पर काम करने के लिए। आप सभी का एंगेजमेंट कॉमेंट बॉक्स पर भर भर कर आता है, जो मुझे हर वक्त इंस्पायर भी करता है। तो बस ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखो, मैं दिन पे दिन और बेहतरीन कंटेंट डिलीवर करने की कोशिश करता रहूंगा। अभी ड्यून प्रोफेसी वेब सीरीज शुरू होने वाली है, जिसका पहला एपिसोड 18 नवंबर मंडे मॉर्निंग में आ जाएगा। और जैसा काम इस वेब शो के लिए चल रहा है, ऐसा ही काम ड्यून प्रोफेसी के लिए भी चलता रहेगा, क्योंकि एज लाइक गेम ऑफ थ्रोन्स यूनिवर्स, ड्यून यूनिवर्स भी बहुत बड़ा यूनिवर्स है। और यह सब बताना भी बहुत जरूरी भी था, क्योंकि आपके प्यार के बदले मेरी जिम्मेदारी बनती है बेहतरीन एंटरटेनमेंट की न्यूज आप तक पहुंचाने की। तो डोंट वरी, 10 दिन बाद फ्रॉम सीजन 3 खत्म हो जाएगा, लेकिन हम लोगों का ये रिश्ता ड्यून प्रोफेसी वेब सीरीज तक भी चलता रहेगा यूं ही। नाउ कम टू द मेन पॉइंट, बहुत हुई बकैती कि आखिर लीप क्लिक में हमारे लिए क्या मटेरियल है। तो फातिमा को एलजिन ले जा चुका है, और ये बात अभी तक एलिस एंड बॉयड को ही पता थी, बट सारा को भी ये बात पता चल जाती है, क्योंकि पास्ट में हमने देखा इस फ्रॉम विलेज टाउन ने सारा को कितनी बुरी तरीके से करप्ट किया था। जो हमने पिछले सीजन में भी देखा था, उसे कुछ ऐसी आवाजें सुनाई देती थी जैसे उससे कोई कुछ बता रहा हो, और यही मंजर काफी लंबे समय के बाद फिर हुआ अपनी सारा के साथ, जहां शायद किसी गुडविल ने फातिमा को उठाने से पहले सारा को चेतावनी देनी चाहिए होगी, जो वो एक्सप्लेन भी कर रही है बॉयड एंड एलिस को कि फातिमा मिसिंग है ना, विद बिग क्वेश्चन मार्क, क्योंकि कल रात उसे कुछ वॉइसेस सुनाई दी थी जहां उन्होंने बताया कि वो फातिमा को ले जाएंगे और उन्हें जो चाहिए होगा उससे वो ले लेंगे, और ये भी कि तुम फातिमा को टाइम पर नहीं ढूंढ पाओगे, एंड ऑल्सो दैट कि तुम फातिमा को बचा भी नहीं पाओगे। तो ये सारी बातें सारा को उन वॉइसेस में सुनाई दी थी। तो बाबा, इससे सीधा सीधा इशारा यही जा रहा है, अगर बात गुड वर्सेस इविल की करें तब, कि शायद जो इस टाउन की गुड साइड है वो ये मैसेज सारा के जरिए पहुंचाने की कोशिश कर रहे होंगे कि फातिमा को ढूंढने में इतना टाइम वेस्ट ना करा जाए, बल्कि इसके अलावा किसी सीरियस मैटर पर ध्यान दिया जाए। तो यही इस क्लिप से इशारा मिलता है बाबा अभी तक तो, जहां प्रोमो में हमने देखा ही कि फातिमा को ढूंढने की बात चल रही है, और ये क्लिप वाला मोमेंट जस्ट उस फातिमा सर्चिंग वाले इवेंट से पहले का होगा। लेकिन सारा को जिसने डायरेक्शन दिया, इसका क्या चांसेस है कि वो गुडविल साइड से ही होगा, मे बी इविल साइड से भी हो सकता है, ताकि ये फातिमा को ढूंढने में गिव अप कर दें और मॉन्स्टर क्रिएचर का काम आसानी से होता रहे बिना कोई अड़चन के, या मे बी गुडविल साइन ही हो और सारा के इस काउंटर के बाद बॉयड एंड एलिस जल्दी से हरकत में आ जाएं और फातिमा को ढूंढने लग जाएं, जिससे टाइम की बचत भी हो और जल्दी से कोई ना कोई रास्ता भी निकल जाए। क्योंकि मान लेते हैं फातिमा ना मिले, लेकिन इस सर्चिंग इवेंट पर कुछ ऐसे बड़े खुलासे शायद हो जाएं जो इस टाउन के कर्स को समझने में एक रिलीफ दे जाएं, आसानी दे जाएं। लाइक जो हम प्रोमो में भी देख रहे हैं, इस सर्चिंग इवेंट के बाद शायद जेट को वो थर्ड न्यू बॉटल ट्री मिला होगा जो एक घर के बगल में है, जो एक बार के लिए सिमिलैरिटी का साइन देता है कैमडन में मिरांडा के घर वाले बॉटल ट्री से। भी यहां से कुछ खुलासा हो सकता है, मे भी यहां से कोई कनेक्शन भी सेट हो सकता है, क्योंकि यह थर्ड बॉटल ट्री हमें अभी तक देखने को नहीं मिला था। दूसरा, प्रोमो में हमने देखा अगेन सारा को वही हेड स्ट्रोक आए हैं, एंड सेम हेड स्ट्रोक रेंडल को भी आ रहे हैं। तो बाबा, कुछ फिर से बड़ा धमाका होने वाला है इन लोगों के साथ। जूली तो करप्ट पहले ही है और डेंजर प्लेस में घूमकर आ भी चुकी है, लेकिन इस बार मिरिल का कोई साइन नहीं दिख रहा है। मिरिल ऐसा लग रहा है यूजलेस करेक्टर जा रही है, क्योंकि सीजन 2 के एंड में हमने देखा था जूली, रैंडल एंड मिरिल उस इविल स्पेल से इफेक्ट हुए थे, और वही चीजें फिर से इन्हीं लोगों के साथ रिपीट होने लग रही हैं। बट मिरिल बची हुई है अभी तक, या तो मिरिल को लेकर मेकर बहुत बड़ा प्लान कर रहे हैं कुछ इविल साइड से लेकर, नहीं तो मिरिल एक तरह से यूजलेस करेक्टर ही दिख रही है। बाकी सारा को वही हेड स्ट्रोक आने लगे हैं, तो बाबा कुछ धमाका होने वाला है एपिसोड 9 में। या तो सारा का एंगल अप टाउन के लोगों को सही डायरेक्शन दिखाने का हो सकता है, जिसे कुछ विजन आए या किसी कुछ आवाजें सुनाई दे जिससे हेल्प मिल सके, या फिर ये भी कि पिछले सीजन की तरह करप्ट होने वाली है ये भी, जहां पिछली बार मिरिल थी तो अब सारा है। तो देखते हैं एपिसोड 9 में, ये एपिसोड 9 हमारे कितने सवालों का जवाब देता है। वेट करते हैं, बस एक दिन का ही इंतजार है और संडे मॉर्निंग को हमें ये मिल जाएगा, और मैं बहुत ही जल्दी कोशिश करूंगा कि इसका रिव्यू एंड एक्सप्लेनेशन लाएं। देन ऑर्डर में जो चीज़ें चल रही हैं वैसी ऑर्डर में चलती रहेंगी, ब्रेकडाउन थ्योरी, देन प्रोमो, फिर थ्योरी वगैरह वगैरह। भाई वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट से जरूर बता के जाना, आपकी तरफ से क्या सवाल है आपके दिमाग में इस क्लिप को लेकर, या फिर और भी कुछ एंडिंग से रिलेटेड लेकर, जरूर बता के जाना नीचे कमेंट बॉक्स पर, और मिलते रहेंगे ऐसी। जय हिंद, यहाँ तक पहुँच गए हो तो उसका मतलब वीडियो आपको पसंद आई है। लाइक कर दीजिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।